शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी के खिलाफ गुलबर्गा बंद और रैली को कामयाब बनाने के लिए इलियास सेठ का इजहार तशक्कुर। मुमताज अवामी कायद अलहाज इलियास सेठ, साबिक चेयरमैन एनईकेआरटीसी व सदर कुल हिंद जमीयत बागबान ने शहरियत तरमीमी बिल और एनआरसी के खिलाफ गुलबर्गा बंद और रैली को कामयाब बनाने वाले असहाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि बिलखुसूस गुलबर्गा शहर की तमाम ताजिर बरादरी का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कारोबार को मुकम्मल बंद रखकर गुलबर्गा बंद को कामयाब बनाया। कुल जमाती एहतजाजी रैली में हजारों की तादाद में शिरकत के जरिए एनआरसी के निफाज और शहरियत तरमीमी बिल की पुरजोर मुखालिफत की। इस कामयाब एहतजाज में तमाम शहरानी गुलबर्गा से इजहार तशक्कुर करता हूँ। तमाम कायदीन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस एहतजाज को कामयाब बनाया। तमाम तलबा व नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ गुलबर्गा में तारीखी एहतजाज मुनज़्ज़म किया। गुलबर्गा से एटीवी न्यूज के लिए आयतुल्ला सरमस्त की रिपोर्ट। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज नगरेश्वर स्कूल से जगत सर्कल तक जो प्रोटेस्ट रैली निकाली गई, जिसमें उलमा इकराम और तुजार और नौजवान खास तौर पे और हमारे हिंदू भाई जिन्होंने अपने हमारा साथ देने के लिए अपनी दुकानें भी बंद करके उन्होंने भी हमारा साथ दिया, और खास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज 144 के बावजूद भी हमें एक सहूलत दी जो हम सुकून से पीसफुली हम रैली निकाल सके। और जब भी ऐसे देश में हालात आएंगे तो प्रोटेस्ट रैली हमको निकालना होगा, जिससे हुकूमत को एहसास होगा कि हम गलती पर हैं। जैसा कि यह रैली में खास तौर पे मौरती मानपाड़े साहब, मोहतरमा कनीस फातिमा साहबा और नासिर हुसैन उस्ताद साहब और अजगर चुलबुल साहब, जनाब वाज बाबा साहब और एडवोकेट मजहर हुसैन साहब और मुस्तफा बाबा साहब और काफी लोगों ने इस रैली में शिरकत की और इस रैली को लीड लिया। आज मैं इन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम जो रैली में शिरकत किए हैं उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर पे नौजवानों का। आज जो रैली में नजर जो आई, नौजवानों ने ज्यादा नजर आया, जिनका मैं खास तौर पे नौजवानों के जज्बात को सलाम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी हालात ऐसे आएंगे हम सबको जमा होकर ऐसी प्रोटेस्ट रैली करना है, और मैं सब लोगों का दोबारा और एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। उसूलों पे जहां आज आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तमाम सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।